बिहार के अनूप जलोटा इसी तरह से मिलते। अब मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय अनिल सुलभ जी, डॉक्टर अनिल सुलभ जी, साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ। लोग रंग की खुशबू से महकता चेहरा, लोक रंग की खुशबू से महकता चेहरा, याद आता है बहुत लगाता मुस्कुराता चेहरा। इस गोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष जी और मित्रों, अजीत अकेला एक ऐसे शख्स थे जो न केवल शीघ्र ही किसी आत्मीय हो जाते थे बल्कि उसके हृदय पर एक गंभीर छाप भी छोड़ जाते थे। अकेला जी को अच्छा के जीवन से जानता रहा और मुझे याद है विश्वविद्यालयों के आदर्शों में भी उनका यह गीत बहुत मशहूर होता था, हमारा सबसे अच्छा। और इस गीत में उन्हें बहुत ही लोकप्रियता दी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन्होंने लोक जीवन में, लोक रंग में, लोक संस्कृति में, लोक गायकी में वह ऊंचा स्थान बनाया जिससे हम कह सकते हैं कि लोक गायकी के विशाल मंदिर वे स्वर्ण कलश थे, कृति ध्वज थे। अभी आपने सुना मॉरिशस यात्रा के लिए जुड़े गए थे, जो दल जा रहा है, इसके पूर्व वो कई बार जा चुके। भारत की सीमाओं से बाहर जहां भी भोजपुरी ने अपने पैर जमाए, प्राय उन सभी देशों में उनके गायकी ने अपना स्थान बनाया और दिलों में जगह बनाई। हमारे मित्रों ने कहा कि वो ने कहा कि उन्होंने नाम अपना अकेला किसने रखा है, उन्होंने क्यों रख लिया है। हर व्यक्ति अकेला होता है, संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मौलिक रूप में अपने रूप में अकेला रहे। और ये प्रकृति की एक मोहक खुशबू है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों में हर एक व्यक्ति अलग होता है, जुदा होता है, अलहदा होता है। और यही उसका उसकी विशिष्टता उसको एक अलग पहचान देती है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, कोई वस्तु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जिसका अपना रंग, अपना रस, अपना गंध न हो। सबका अलग है, ये हमारी कमी होती है कि हम उसके रस रूप गंध को अलग अलग नहीं चिन्हित कर पाते, नहीं पहचान पाते। लेकिन हर एक पदार्थ का अपना अलग विशिष्ट रूप, गुणों, रस और गंध होता है। अकेला जी ने अपने कांसों से किसी और व्यक्ति ने कहा उसकी स्मृति को सजाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को अकेला कहता हो वो वास्तव में अकेला न होकर सबका हो जाता है। और ये लोग भ्रम पालते हैं जो कहते हैं कि मैं सबका, वो वास्तव में स्वयं का भी नहीं होता। जो अकेला होता है वही सबका होता है। और इसीलिए आज जो कई स्थानों पर संगोष्ठियां हो चुकी हैं, कई दिनों के पश्चात या इतनी संख्या में लोग उपस्थित हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि वह शख्स अकेला था।
वो अकेला नहीं था, उसके साथ ही था भी नहीं था। उसे गांधी को क्षमा के लिए शेर याद आता है कि हम अकेले ही चले थे, जानी भी मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कार वालों का तो अकेला ने कार वालों का किया। और मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अभी हमारे मित्र कह गए कि मर जाने के बाद कोई बोलता नहीं, तो ध्रुव अटल सत्य है, मरने के बाद कौन बोलेगा, क्योंकि उसके भीतर जो बोलने वाला होता है वो तो चला गया होता है, लेकिन मरने के बाद वो व्यक्ति नहीं बोलता, उसकी कृतियाँ बोलती है, उसके कार्य बोलते हैं। और अकेला जी जो करके गए हैं, जो गीत छोड़ के गए, जो अपने स्वर निबंधित करा के गए, वह स्वर हमेशा इस पर्यावरण में गूंजता रहेगा और हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। साहिर ने कहा था कि हाँ तुम कभी मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो कोई गीतकार, कोई गायक, कोई साहित्यकार कभी नहीं बनता, वो हमेशा लोगों के दिलों में जब तक उसके गीत जीवित रहेंगे वो जिंदा रहेगा और ऐसे लोगों की यादें हमेशा याद आती है। बशीर बद्र ने कहा कि बहुत बड़ा शायर है अभी इस दौर का, कि हमें अपनी यादों को समेटना सहेजना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, किस समय कौन कहां से उठेगा कह नहीं सकते, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि मैं बोल रहा हूं और उतर के गया तो कल आप सुख मना रहे होंगे या कहीं, कह नहीं सकते। तो यादों को समेट कर बशीर बद्र ने कहा कि उजाले अपनी यादों के मेरे पास रहने दो, उजाले अपनी यादों के मेरे पास रहने दो, न जाने किस गरीबी जिंदगी की शाम हो जाए। हम नहीं जानते कि यह जिंदगी की शाम किस गरीब हो जाए। एक बात याद रखिए कि व्यक्ति जो भी जन्म लिया है, जन्म लेते ही उसके घड़ी की टिक-टिक शुरू हो जाती है, वह घर उस घड़ी में उसके आखिरी स्विच का समय निर्धारित किया जा चुका है, किसको कब किस प्रकार जाना है, किस क्षण जाना है वो तय है, हम नहीं जानते। लेकिन मैं विचार करता हूँ, मुझे लगता है कि हम सब की पूरी फिल्म बन चुकी होती है, हमें दिएत लिखा हुआ दृश्य व चित्र बाद में दिखाई पड़ता है अंतिम क्षण में, लेकिन यह बना हुआ है, जीवन में जो घटित होना है वह क्रमशः घटता जाता है और एक दर्शक की भांति जो चलचित्र का हम बैठते हैं तो जो दृश्य गुजर रहा होता है क्योंकि वही मेरे सामने होता है, तो हम उसी को सत्य मान के चलते हैं। अन्यथा ये जान लीजिए कि सबकी कहानी पहले लिखी जा चुकी है, सबका चित्र पहले से तैयार है, इसको कब जाना है वो तय है। अकेला जी गए उनको उसी समय जाना था, ये अलग बात है कि हमारे लिए उनका जाना एक प्रकार का असमय जाना था। ऐसे लोग जो गुणी जन हैं, जो समाज में अपना अवदान दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनका जीवन इसलिए मूल्यवान होता है कि केवल उनका जीवन वो नहीं होता है, वो समाज के लोगों का जीवन होता है और समाज उससे लाभान्वित होते हैं। ऐसे लोगों का दीर्घायुष लोक जीवन के लिए, आम जन के लिए आवश्यक होता है। वह तो जिस काम के लिए आया था किया, जो कराने वाले ने जो काम सौंपा था किया, चला गया।
हमें उनकी याद रह जाएगी। मैं अपनी एक गजल का एक शेर पढ़ के बात खत्म करता हूँ कि सहरा में दो बूंद आग सी है जमीन, सहरा में और थल में हमारे जमीन की क्या दिशा है, सहरा में दो बूंद आग सी है जिंदगी, खूबसूरत मगर खाब सी है। आभार को अध्यक्ष व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अब इस समारोह का हम समापन करेंगे। सबों से आग्रह करेंगे कि खड़े होकर के 2 मिनट के मौन के बाद